शुभोदय बच्चों, मेरा नाम रमेश, मैं MJP BCWR स्कूल समना समय काम कर रहा हूँ। आज आठवीं कक्षा के अनमोल रत्न पाठ पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है। हर एक अच्छी बात अमूल्य होती है। एक कक्षा है, कक्षा में छात्र अध्यापिका है। चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहे हैं, वे क्या कर रहे हैं, श्याम पट पर लिखे सुवचन से तुम क्या समझते हैं, ये तीनों क्वेश्चन दिया है। अब हम पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे। चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है, क्या क्या दिखाई दे रहा है, चित्र में श्याम पट, अध्यापिका और छात्र। दूसरा, वे क्या कर रहे हैं, वे पढ़ाई कर रहा है, पढ़ रहा है। चतुर्थ छात्र। श्याम पट पर लिखे सुवचन से तुम क्या समझते हैं। श्याम पट पर बोर्ड, ब्लैक बोर्ड में एम रास्ते श्याम पट पर लिखा है हर एक अच्छी बात अमूल्य होती है। हर एक अच्छी बात अमूल्य होती है, इसका अर्थ क्या होता है? हर एक अच्छी बात अमूल्य, अमूल्य मतलब मूल्यवान, वैल्यूबल अन्नमाट। प्रति ఒక్క మంచి మాట చాలా విలువైనది, అందుకే ఈ పాట పేరు అన్మోల్ రత్న అని పెట్టుకుంది। आज हमारा पाठ का नाम है अनमोल रत्न। यहाँ तुलसी जी का लिखा हुआ है, पहले हम तुलसी जी के बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं। तुलसी जी के बारे में, तुलसीदास का जीवन काल 1532 1623 तक है। इनकी रचनाएं देखिए, रामचरितमानस, कवितावली, विनय पत्रिका आदि। रचनावली क्या क्या है? रामचरितमानस, कवितावली, विनय पत्रिका। पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम तुलसी है। वे हिंदी के प्रमुख कवि माना जाता है। अब हम तुलसी जी के पहला पद्य देखते हैं। तुलसी काया कहते हैं मनसा भयो किसान, पाप पुण्य दो बीज है, बोए सो लुनै निदान। फिर से, तुलसी काया कहते हैं मनसा भयो किसान, पाप पुण्य दो बीज है, बोए सो लुनै निदान। इसका अर्थ हम जान लेते हैं। तुलसी काया कहते हैं मनसा भयो किसान, पाप पुण्य दो बीज है, बोए सो लुनै। भाव देखते हैं, तुलसी जी के अनुसार शरीर खेत के समान है, शरीर खेत के समान है और मन किसान के समान है। पाप और पुण्य दो बीज है, जो बोया जाता है उसी को प्राप्त करना पड़ता है। तुलसीदास है शरीर खेत फील्ड पलम तो समान होगा जितना हो, और मन मन मनस का किसान के समान है, का फार्मर रईत तो रईत लागा मन में मन मनस ने पहुंच जो बोया जाता है इटवंटी विताल ने मन नाटन लेते अटवंटी फलाल मन पंदवच अटे ఏంటంటే ఎక్కువ పాపం చేసుకొని పండి మనం పాపం తగ్గ ఫలితాన్ని మనం పొందుతాము। ఎక్కువ పుణ్యకార్యాలు చేసామనుకోండి, ఎక్కువ పుణ్యం ఏదైనా మంచి పనులు చేసుకుంటే
गीता कहते हैं मनसा पयो सान पाप पुण्य दो बीज है वो वैसो निदान। दूसरा पद देखते हैं तुलसी शांति विपत्ति विद्या विनय विवेक। तुलसी शांति विपत्ति विद्या विनय विवेक सांस सुकृति सुसज्ज व्रत राम भरोसो एक। तुलसी शांति विपत्ति विद्या विनय विवेक सांस सुकृति सुसज्ज व्रत राम भरोसो एक। भाव देखते हैं तुलसी जी के अनुसार विपत्ति के समय विपत्ति विपत्ति तो प्रॉब्लम्स कष्ट शिक्षा विनय विवेक सांस अच्छे कार्य और सच्चाई ही साथ देते हैं। चलिए इपड़ेना मन प्रॉब्लम्स వచ్చేనండి అలాంటప్పుడు మనకి తోడుండేవి ఏంటో మన మన కోసం తులసిదాస్ గారు చెప్తున్నారన్నమాట తోడుండేవి ఏంటంటా విపత్తి కే సమయ శిక్ష శిక్ష అంటే ఎడ్యుకేషన్ మనం చదువుకున్న చదువు వినయ వినయ అంటే హ్యూమిలిటీ వివేక్ వివేక్ అంటే ఇంటెలిజెన్స్ తెలివితేటలు సాహస్ కరేజ్ సాహస్ అచ్చే కార్యం అంటే మన యొక్క మంచి పనులు సద్గుణాలు ఇవన్నీ కూడా సచ్చాయి ట్రూత్ఫుల్నెస్ మన నిజాయితీ మనల్ని కాపాడుతుంది ఏమైనా అనుకోకుండా ఏమైనా ఆపదలు వచ్చి పడినట్లయితే మనకి తోడుండేవి ఇవే అని తులసీదాస్ గారు చెప్తున్నారు। ఇప్పుడు మనం ఈ పాఠంలో వచ్చిన కొత్త పదాలను మనం తెలుసుకుందాం। అనమోల్ వాల్యుబుల్ మోస్ట్ వాల్యుబుల్ రత్న జెమ్స్ కేక్ ఫీల్డ్ బీజ్ సీడ్స్ విపత్తి ప్రాబ్లమ్స్ శిక్ష ఎడ్యుకేషన్ వివేక్ ఇంటెలిజెన్స్ వినయ్ వాల్యూ సాహస్ కరేజ్ मन तोड़ो अगर